पंजाब दे लीडरां दी ओ छेड़ी हुई बहस तो जिस बहस नूं लैके लीडरां ते तरह तरह के निशाने साधे जा रहे हैं जिहड़े तुहाडे वर्गे पत्रकार भरा ने वो अपने अपने नज़रिए दे नाल ते जिहड़े आम लोग ने वो आपो अपनी खिज दे हिसाब दे नाल भी इन्हां लीडरां नूं उस मामले दे विच घेर रहे ने। नौटंकी स्टेज ते होण वाली बहस कहिंदे पहुंच गई आ हुण खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे मैदान दे विच। जिस दिन टैगोर थिएटर की चोण हुई सी उसे दिन सवाल खड़े हो गए कि गलत तो नहीं कर ली चोण जी। पहला तो सवाल बार बार यही आता रहा कि पंजाब के मसलों की चर्चा इंज खुले था आम करन दी बजाए फैसला कुल पहलू दे उत्ते विधानसभा च क्यों नहीं। बिल्कुल सही है। वैसे तो इस पहलू तो विरोधी धिरां भी भजदियां रहियां। मैं प्रताप बाजवा देख रहा जी कहिंदा जी कोई जज लाओ जी उहदे सामने कराओ जी सर्वसम्मति नाल चुनो जी सरकारी मतलब इमारत है जी विधानसभा उत्थे नहीं होनी चाहीदी। भाई सरकारी इमारत नहीं जी विधानसभा। विधानसभा पंजाब दी इमारत है जी। पंजाब दे चुने नुमाइंदे ने उहदे विच बैठदे। पंजाब लई कानून घड़ना पंजाब दे लई कोई सही फैसला लेना इह वक्खरी गल्ल जी उत्थे जाके सही काम नहीं करदे पर चुने तुसीं इस काम लई जाणे हो जी जी बिल्कुल। उस तो भज के जी कहते जी जिथे मर्जी सद लो असी तैयार हाँ। असल च पिछले दिनों च तुसी देखिया होना के एक आम तौर पर वरतारा रहा कि आ जाओ खुलेआम चर्चा करते हैं डिबेट करते हैं तो दूजिया तरह कहंदियां असी तैयार हाँ तो अपने अपने बयान दे के सर जांदा सी बहिंदे कोई नहीं सी जी। भगवंत मान कहिंदा आपां तां थां भी बुक करा ली आ जाओ तो फिर उस तों बाद इन्होंने चैलेंज कबूल किया सी जी। ते पर चैलेंज कबूल करन तों बाद अज मैनूं लग रहा सारे भज रहे ने। बेशक उस डिबेट का उस चर्चा का कोई हल नहीं निकलना रहा क्योंकि चर्चा का पद्धर मुख्यमंत्री ने अपने उस स्नेहे च दिखाता कि मैं किस हेठले लैवल ते आके चर्चा करनी है। वह पंजाब के मसले के हल की गंभीरता वाली चर्चा का उन्होंने स्नेहे तो नहीं लगती जी। हाँ पर जिहड़ी फजीयत सरकार की टैगोर थिएटर मामले च हुई आ उस मामले च आप कल भी गल करके हटे कि सलाहकार बदल लो जां तां पर सरकार कहती सलाहकार नहीं बदलने असी थां बदलनी है जी। तो जे पहला सलाहकार चंगे होंदे पहला ही सही थां दी चोण होई होंदी। पहला टैगोर थिएटर रखिया सवाल उठा कि नौटंकी स्टेज है जी इत्थे नहीं हो सकता फिर कहते खेड मैदान मोहाली चुन लो कहते नहीं जी वह फिर कहणगे जी ये तो क्रिकेट का मैदान है असीं कोई चौके चौके थड़ा लाने जी ये रहने दो ये भी होर नवी को हो जूगा कहते अच्छा फिर बिजनेस ऑफ स्कूल चुन लो कहते नहीं जी ये कहणगे ये बिजनेस थोड़ा जी पंजाब दे मसले जी कहते फिर खेतीबाड़ी वाली यूनिवर्सिटी तो वधिया कोई दानी पंजाब दी सभ्यता दा प्रतीक है ते उत्थे ठीक है ते पर तुसीं कमाल देखो प्रवीण जी जी पंजाब दी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा दे गलियारे दे अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह दे मतलब नां दे हेठ बनिया होया हाल डॉक्टर मनमोहन सिंह जिहड़े अपनी चुप्पी लई अपने तर्क लई बड़े संखेप दे विच गल कहण दे लई जाने जांदे ने बिल्कुल उहनां दे नाम वाले हाल दे विच कावां रोली पऊगी हुण। ते इह पहली गल तां इह है कि जेकर विरोधी धिरां हुण उत्थे नहीं जांदियां तां सरकार इह प्रचारूगी कि देखो भज गए ते दूसरे पासे मार कहिंदे कि इहदे नाल सरकार दी मतलब हीण हुंदी आ सरकार दी भी बदनामी हुंदी आ कि देखो मुख्यमंत्री बुलावे तामी लीडर ना आउण जी। सो ये भी एक पक्ष हैगा। हाँ इहदे विच कोई दो राय नहीं गिया कि बकायदा तौर ते टैगोर थिएटर दे इनकार होण तों बाद पंजाब सरकार दे नुमाइंदियां ने तुरंत उसे तरह जिवें टैगोर थिएटर वालों फोन करके पहला पुछया सी कि 1 तरीक नूं हाल वेला अगर उन्होंने कहता हैगा जदों चिट्ठी भेजी पता लगिया बहस हो कहिंदे इहदे लई नहीं हैगा जी। इसे तरह फोन किया सीएम हाउस तो जी यूनिवर्सिटी नूं यूनिवर्सिटी ने दसिया कि 1 तरीक नूं हाल वेला हैगा जी कहिंदे हाँ जी वेला है। फिर चिट्ठी गई बहस बूस लई ते यूनिवर्सिटी कहिंदी जी असीं हामी भरती कि असीं हाल देना बाकी प्रबंध साडा नहीं बाकी प्रबंध सरकार ने करना। सो यूनिवर्सिटी वल्लों हामी है जी ठीक है पंजाब दी यूनिवर्सिटी है पंजाब दी सरकार है ते हुण उत्थे कोई मसला नहीं गा हुण राजपाल उत्थे टंग डा नहीं सकदे सीधे रूप च जी जी। सो इस लई उत्थे हुण बहस दा थां तय हो गई है। सुनील जाखड़ कहिंदे सी कि जां वो राजू जां लुधियाणे आ जाओ ठीक है वो लुधियाणे जा पड़े हो हाँ अगले लुधियाणे आ गए हुण सुनील जाखड़ नूं तां जाणा चाहीदा
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜੀ 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 ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ, ਉਰੇ ਡਿਬੇਟ ਖੁੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਤਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਸਵੈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਬੜਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।